आज के टॉपिक में बात करेंगे विश्व के प्रमुख औद्योगिक नगरों की। जैसा कि हम सब जानते हैं कि एग्ज़ाम में ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है, यानी कि ये चाहे वो आपका UPPCS एग्ज़ाम हो या फिर आपका UPSC का, उसमें ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। और कई बार तो एक तरफ इंडस्ट्री लिख दिया जाता है, एक तरफ सिटी, फिर आपस मिलाने को दिया जाता है। तो हम लोगों ने यहाँ पर कुछ विश्व के बहुत ही नामी ग्रामी यानी कुछ चुनिंदा शहरों के नाम लिखे हुए हैं और वो किस उद्योग के लिए जाने जाते हैं, वो अभी यहाँ पर हम लोग इसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत कर लेते हैं कावासाकी से। कावासाकी एक जापान का शहर है। अगर हम लोग इसके उद्योग की बात करेंगे कावासाकी की, तो यह जाना जाता है लौह इस्पात के लिए। यानी कि स्टील के लिए। दूसरे नंबर पर बात कर लेते हैं ओसाका की। ये भी जापान का ही शहर है और ये जाना जाता है सूती वस्त्र के लिए, यानी टेक्सटाइल के लिए। इसी तरीके से बात कर लेते हैं एक जापान का ही एक तीसरा शहर है और उसका नाम है कोवे। ये भी जापान का ही है। जो कोवे की जो पहचान है, कोवे जाना जाता है ये भी लौह इस्पात के लिए। और ये नंबर चार पे आते हैं तो ये भी आपका नगोया जो शहर है ये भी जापान का ही है। यानी अगर हम लोग नगोया की बात करें तो ये जापान का शहर जाना जाता है ऑटोमोबाइल के लिए। और उसके बाद नंबर पांच पे देखेंगे तो ये जापान की राजधानी टोक्यो, जो कि जापान के होन्सू द्वीप के ऊपर है। और इस अगर हम इसके उद्योग की बात करें तो इसका जो प्रमुख उद्योग है वो जलयान निर्माण, यानी शिप बिल्डिंग। तो यहां पर यानी ये जलयान निर्माण हो गया, समुद्री जहाज बनाए जाते हैं। फिर बात कर लेते हैं बाकू। बाकू अजरबैजान की राजधानी है, कैस्पियन सागर के किनारे स्थित है। और यहां का जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है यहां तेल शोधक कारखाना। ठीक, उसके बाद फिर बात कर लेते हैं डुंडी। ये वैसे ये जाना तो जाता है जूट के लिए, लेकिन ये अगर इसकी आप लोकेशन देखेंगे तो ये स्कॉटलैंड में पड़ता है ये। और जाना किस लिए जाता है, ये जूट के लिए, यानी जूट से बने सामान के लिए। फिर बात कर लेते हैं ज्यूरिख, इसका बहुत नाम सुना होगा। ये जगह पड़ती है स्विट्जरलैंड में और ये जाना जाता है इंजीनियरिंग के लिए, यानी इंजीनियरिंग के लिए इसकी जो यानी इंटरनेशनल लेवल पर इसकी जो यानी ख्याति है, जो यानी जो फेमस है ये, वो इंजीनियरिंग के लिए जाना जाता है। उसके बाद बात कर लेते हैं वियना की। ये ऑस्ट्रिया की राजधानी है। ऑस्ट्रिया की राजधानी जो वियना है ये कई मामलों में जानी जाती है। यहाँ पर अगर हम लोग उद्योग की बात करें तो एक तो यहाँ पर ये कांच उद्योग, दूसरी बात यही वियना में आपका अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय है और इसी वियना में ओपेक का भी मुख्यालय है। और जाना किस लिए जाता है, ये जाना जाता है कांच उद्योग के लिए। यानी इसकी जो खूबी थी वो जाना जाता है कांच उद्योग के लिए और यहाँ पर ओपेक का हेडक्वार्टर है और परमाणु ऊर्जा एजेंसी का भी मुख्यालय है। उसके बाद बात कर लेते हैं खारकोव। ये यूक्रेन का शहर है। यानी जो खारकोव है ये यूक्रेन का है। जाना जाता है किस लिए, ये भी इंजीनियरिंग के लिए जाना जाता है। फिर बात कर लेते हैं किब्रोईरोक, ये भी यूक्रेन का ही है। और अगर इसकी खूबी देखेंगे तो ये जाना जाता है लौह इस्पात के लिए।
फिर आ जाता है रॉटरडम, ये नीदरलैंड में है। और रॉटरडम की जो खूबी है, तो रॉटरडम जो जाना जाता है वो मेनली जाना जाता है हीरे की और हीरे की पॉलिश के लिए। उसके बाद बात करते हैं एंटवर्प, ये बेल्जियम का शहर है और यहीं यहाँ पर भी ये बहुत बड़े लेवल पर, यानी कह सकते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा हीरे का व्यापारिक केंद्र है ये एंटवर्प, बेल्जियम में है। फिर बात कर लेते हैं कीव, ये भी यूक्रेन में है। और जो कीव यानी जिसकी हम लोग बात करें यूक्रेन में, इसकी भी जो मेन खूबी है वो भी इंजीनियरिंग से जुड़ी है। अब बात कर लेते हैं ग्लासगो, ये स्कॉटलैंड में है। और ग्लासगो जो स्कॉटलैंड में है, इसकी जो मेन खूबी है ये जाना जाता है जलयान निर्माण के लिए, यानी यहाँ पर भी जहाज बनाए जाते हैं। फिर बैंकॉक, और बैंकॉक की अगर हम लोग बात कर लें, यहाँ का भी वो ये कोस्टल, यानी उसकी थाईलैंड की राजधानी है, कोस्ट लाइन पर है, यहाँ का भी काम वही है यानी जलयान। फिर बात कर लेते हैं मिलान, ये इटली में है। और जो इटली में जो है, जिसकी हम लोग मिलान की बात कर रहे थे, ये जाना जाता है रेशम उद्योग के लिए। फिर एक और शहर इटली का ही लिखा हुआ है, तुरीन। और जो तुरीन की जो खूबी है, ये जाना जाता है ऑटोमोबाइल के लिए, इसीलिए इसे इटली का डेट्रॉइट भी कहा जाता है, यानी ये भी जाना जाता है ऑटोमोबाइल के लिए, यानी मोटर गाड़ी निर्माण। फिर आ जाते हैं साओ पालो, ये ब्राज़ील का ही शहर है। और साओ पालो ये ब्राज़ील का एक बहुत बड़ा शहर है, और अगर हम लोग इसकी बात करें तो यहाँ का जो मेनली है कॉफ़ी से जुड़े हुए चीज़ें, यानी कॉफ़ी की पैकिंग, ये कॉफ़ी यानी मेन चीज़ जो, जिसे चाय के साथ जो कॉफ़ी हम लोग बोलते हैं, यानी कहवा जिसे बोलते हैं, उसका सबसे बड़ा यहाँ पर कारोबार है। फिर बात कर लेते हैं बेनिस, ये इटली का ही शहर है, नाम सुना होगा आपने मर्चेंट ऑफ बेनिस, मतलब मार्को पोलो। बेनिस की जो खूबी है, ये जाना जाता है कांच के लिए। फिर बात कर लेते हैं ओटावा, ये कनाडा का शहर है। और ओटावा यानी जो कनाडा का शहर है, ये जाना जाता है कागज के लिए, यानी ओटावा की जो खूबी है वो जानी जाती है कागज निर्माण के लिए। फिर ये एक अगला शहर है, ये भी कनाडा का ही है, और इसकी जो खूबी है ये कनाडा यानी जो क्यूबेक, ये भी जलयान निर्माण के लिए है। फिर मॉन्ट्रियल, ये भी कनाडा का ही शहर है। तो मॉन्ट्रियल हो या क्यूबेक हो, इन दोनों की जो खूबी है वो ये जलयान निर्माण के लिए यानी शिप बिल्डिंग के लिए ही जाने जाते हैं, ये भी यही। उसके बाद ये मुल्तान पाकिस्तान का शहर है, यहाँ पर मिट्टी के बर्तन, सुना होगा आपने मुल्तानी मिट्टी लोग चेहरे पर लगाते हैं। उसके बाद माराकाइबो, ये वेनेजुएला का एक जगह का नाम है, वेनेजुएला जो दक्षिणी अमेरिका कॉन्टिनेंट में पड़ता है। अब जो माराकाइबो है जो वेनेजुएला में पड़ता है, यहाँ पर वेनेजुएला दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार इसके इसी के पास है। और यहाँ पर ये कह सकते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर कहीं खनिज तेल का भंडार है तो वेनेजुएला में है, और आज की डेट में सबसे ज़्यादा अगर प्रोडक्शन किसी का है तो यूएसए का है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर भी जो मेन इसकी इंडस्ट्री है वो तेल शोधक शाला है। ब्यूनस आयर अर्जेंटीना की राजधानी है। ब्यूनस आयर जो अर्जेंटीना की राजधानी है, ये मेनली जाना जाता है डेयरी और मांस के लिए। काहिरा इजिप्ट की राजधानी है, ये जाना जाता है सूती वस्त्र के लिए। ठीक, उसके बाद आ जाते हैं टुलुज, ये कहाँ है, ये फ्रांस में एक जगह का नाम है। और जो टुलुज है फ्रांस में, यहाँ पर ये फाइटर एयरक्राफ्ट बनाए जाते हैं, यानी लड़ाकू विमान, हवाई जहाज निर्माण लिख सकते हैं, लेकिन फाइटर एयरक्राफ्ट ध्यान रखना, हवाई जहाज।
स्पेस कम है यहां पर, ठीक। लियोंस ये भी फ्रांस का ही शहर है, जो लियोंस है ये भी फ्रांस का ही शहर है। यहां पर क्या खूबी है, यहां पर रेशमी वस्त्र हैं लियोंस में। सिएटल अमेरिका का एक शहर है, पश्चिमी अमेरिका का जो पश्चिमी किनारा है उस पर पड़ता है। यहां का पर भी एयरक्राफ्ट यानी कि हवाई जहाज बनाए जाते हैं। शिकागो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दुनिया में सबसे बड़ी मांस मंडी कहा जाता है, दुनिया में सबसे बड़ा कसाई घर कहा जाता है, दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कहा जाता है, इसे स्मोक सिटी कहा जाता है, और ये मिशिगन झील के किनारे स्थित है। तो यहाँ की इंडस्ट्री ध्यान रखना, स्टील यानी लौह इस्पात, मांस सबसे बड़ी दुनिया की मांस मंडी, सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन, और इसे दुनिया का धूम्रपान नगर भी कहा जाता है। अगर भारत के संदर्भ में पूछा जाए धूम्रपान नगर तो कलकत्ता को कहा जाता है। फिर बात कर लेते हैं एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया, डेट्रॉइट। ये अमेरिका में 5 झीलें हैं, उनको फिंगर लेक्स कहते हैं क्योंकि उंगलियां 5 होती हैं हाथ में। उनमें 5ों की जुगाड़ उनको याद रखने में HOMES होम्स याद रखना, ह्यूरॉन, ओंटारियो, मिशिगन, इरी और सुपीरियर। तो इरी झील के किनारे है डेट्रॉइट, और ये पूरी दुनिया में ऑटोमोबाइल उद्योग की राजधानी कह सकते हैं, यानी दुनिया में सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल का अगर कोई सेंटर है तो वो है डेट्रॉइट, जो अमेरिका का शहर है। उसके बाद बात कर लेते हैं पिट्सबर्ग, ये जाना जाता है लौह इस्पात के लिए, अमेरिका का ही है। प्लाईमाउथ ये भी अमेरिका का ही शहर है, और ये जाना जाता है शिप बिल्डिंग यानी जलयान निर्माण के लिए। उसके बाद बर्मिंघम इंग्लैंड का शहर है, ये जाना जाता है लौह इस्पात के लिए। इसी तरीके से अगर हम लोग बात कर लेते हैं बर्मिंघम के बाद, फिर आ जाते हैं लीड्स जो अगला लिखा हुआ है, और ये जाना जाता है ऊनी वस्त्र के लिए। हैम्बर्ग जर्मनी का शहर है, उत्तर सागर के किनारे स्थित है, नॉर्थ सी के किनारे, जापान के जर्मनी के उत्तर में है। ये भी जाना जाता है शिप बिल्डिंग यानी जलयान निर्माण के लिए। उसके बाद अगर हम लोग आगे देखेंगे, एक शहर पड़ता है गोर्की, और अगर हम लोग गोर्की की बात करें, गोर्की ये जो है रूस में है, और ये जाना जाता है इंजीनियरिंग के लिए। ये उसके बाद एसन, ये जर्मनी का शहर है, जो एसन है ये भी जाना जाता है लौह इस्पात के लिए। फिर बात कर लेते हैं तुला, ये भी आपका रूस का शहर है, और जो तुला है ये जाना जाता है लौह इस्पात के लिए। अब बात कर लेते हैं ये वाली लाइन में, जो यहां पर स्पेस नहीं है लिखने का, लेकिन फिर हम आप ध्यान से सुनिए, बताते चलते हैं, लिखने की जगह नहीं वहां पर बची है। तो सबसे पहले मैनचेस्टर की बात कर लेते हैं, जो मैनचेस्टर है ये पूरी दुनिया में सबसे बड़ा सूती वस्त्र का एक हब माना जाता है, इसीलिए हम लोग इससे कंपेयर करते हैं, जैसे भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, या उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कानपुर, या दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर। तो इसी तरीके से यानी मैनचेस्टर जाना जाता है टेक्सटाइल के लिए। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं अनसान, ये चीन का है, ये जाना जाता है अनसान की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये जाना जाता है लौह इस्पात के लिए। फिर शंघाई सूती वस्त्र के लिए जाना जाता है, चीन का मैनचेस्टर कहा जाता है, और चीन का सबसे बड़ा शहर भी है, और सूती वस्त्र के साथ साथ यहां पर जलयान भी बनाए जाते हैं। फिर वुहान ये भी चीन का ही है, और यहां पर जो अगर हम उद्योग की बात करें, यहां पर भी जलयान ही बनाए जाते हैं, यानी समुद्री जहाज बनाए जाते हैं। फिर कराची ये पाकिस्तान का शहर है, अरब सागर के किनारे स्थित है, यहाँ पर भी सूती वस्त्र के लिए जाना जाता है। अब बात कर लेते हैं क्यूबा की राजधानी हवाना की, और हवाना जाना जाता है सिगार के लिए। सिगार अक्सर आपने राजकुमार को फिल्मों में सिगार पीते देखा होगा, वही सिगार अब याद रहेगा। फिर बात कर लेते हैं बसरा, ये इराक का शहर है, दजला और फरात दोनों नदियां यहीं पर मिल जाती हैं, फारस की खाड़ी के किनारे है, और ये जाना जाता एक इराक का बहुत बड़ा बंदरगाह भी है, और ये जाना जाता है तेल शोधक कारखाने के लिए।
फिर अबादान, ये ईरान का बहुत बड़ा तेल शोधक कारखाना है, यहां तक कि कहा जाता है पश्चिम एशिया का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहा जाता है। हाइफा इजराइल का है, यह भी तेल शोधक कारखाना है। रासत नूरा सऊदी अरब का है, यह भी तेल शोधक कारखाना है। और मीना अल अहमदी ये कुवैत का, यह भी एक तेल शोधक कारखाना ही है। तो जितने भी नाम यहां पर लिखे हुए थे, ये किस, कौन सा शहर किस देश में है और उसका क्या प्रमुख उद्योग है, ये हम लोगों ने यहाँ पर इसको दे जान लिया। इस वीडियो को आप बहुत ही ध्यान से और बहुत ही सही, मतलब बिल्कुल एकदम पूरा एकदम नोट कर लीजिए इसे, क्योंकि ये क्वेश्चन इससे बहुत बार मिलता है। और अगर आपको यकीन ना हो तो आप प्रीवियस ईयर पेपर देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि इस टॉपिक की कितनी अहमियत है। तो अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इसे अच्छे से बिल्कुल एकदम तैयार कर लीजिए। धन्यवाद।